घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। अब ना किसी ओपिनियन पोल की जरूरत है, ना किसी एग्जिट पोल की जरूरत है। देश बता रहा है कि भाई रिजल्ट क्लियर है। इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी। लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। साथियों, मीडिया के कई साथी एक्सपर्ट के साथ अब भी ये अनुमान लगा रहे हैं कि चुनाव कौन जीतेगा। अब ना किसी ओपिनियन पोल की जरूरत है, ना किसी एग्जिट पोल की जरूरत है। मैं उन्हें कब से बता रहा हूं, देश बता रहा है कि भाई रिजल्ट क्लियर है। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी बड़ी ने, मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को दो महीने की, तीन महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई, और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं, और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे। लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। और आज मैं एक और बात कहूंगा, कांग्रेस इस बार पहले से भी कम सीटों पर सिमटने जा रही है। वो पहले से कम सीटें लड़ रहे हैं तो अपने आप भी कम जाना थल है। अब देश भी समझ रहा है कि ये लोग चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ देश को बांटने के लिए चुनाव के मैदान का उपयोग कर रहे हैं।